अगला प्रश्न है ध्रुवीय रूप में लिखिए तो हमें जो समय संख्या दी गई है मान लेते हैं कि यह z है z इक्वल टू वन माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा इन टू कॉस अल्फा यह दिया गया है माना कि यह जो समय संख्या है वन माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा इक्वल टू आर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा आर थीटा इसका वास्तविक भाग है तो हम लिखेंगे तुलना करने पर आर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन अल्फा इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं इसी तरीके से आर साइन थीटा ये इसका अधिकल्पित भाग है ये कॉस अल्फा के इक्वल होगा कॉस अल्फा और ये समीकरण तीन समीकरण दो और तीन का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा तो इस तरीके से हमें मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसे हम लिखेंगे वन माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इन दोनों पदों में आर स्क्वायर जो है ये कॉमन है आर स्क्वायर को जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका हम वर्ग करें तो हमें क्या मिलेगा वन माइनस टू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो इस तरीके से हमने इसका विस्तार किया हुआ है अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन यह सर्वसमिका से हम इसको वन लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर इन टू वन आर स्क्वायर ही मिलेगा यहाँ पर ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉ स्क्वायर अल्फा है इसकी वैल्यू भी वन होगी तो ये इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू वन 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 टू टू माइनस टू साइन अल्फ़ा तो यहाँ से हम दो को कॉमन निकाल सकते हैं ये हमें मिलेगा वन माइनस साइन अल्फा यदि आर की वैल्यू लिखी जाए तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर टू वन माइनस साइन अल्फा या फिर यदि हम ये आर स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू वन माइनस साइन अल्फा है इसको हम लिखें टू इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है तो यहाँ पर यदि इस एंगल का हाफ कर दें और इस एंगल का भी हाफ कर दें तो भी ये हमें इक्वल टू वन ही देगा तो यहाँ पर मैंने वन को साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू से रिप्लेस कर दिया और ये जो साइन अल्फा है साइन अल्फा इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू ये कहाँ से आया कैसे आया ये आप त्रिकोण अध्याय को जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको यह फार्मूला देखने के लिए मिलेगा तो हम लिख सकते हैं माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू तो देखिए ये साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू का एक्सपेंशन है तो इसे हम लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू का स्क्वायर तो यहाँ से ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी तो so, यहाँ से हमें मिल जाएगा आर इक्वल टू रूट टू साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू ये हमें मिल गई वैल्यू आर की अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है थीटा की कोणांक थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स या फिर समीकरण तीन को दो से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिलेगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा देखिए आर और आर कैंसिल हो गया यहाँ पर ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस अल्फ़ा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा ये आपको कोणांक मिल गया तो समीकरण एक से ये हम लिख सकते हैं कि वन माइनस साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस थीटा थीटा की वैल्यू ये है यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा टेन इनवर्स कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और थीटा के जगह में लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा और यही उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था अगला प्रश्न है वर्गमूल ज्ञात कीजिए z इक्वल टू थ्री माइनस फोर आयोटा ये एक समित संख्या है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम इसको हल करते हैं हम लिखेंगे माना वर्गमूल थ्री माइनस फोर आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा थ्री माइनस फोर आयोटा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये माइनस वन होती है यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा थ्री माइनस फोर आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई अब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वास्तविक भाग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में ये थ्री है इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो इमेजनरी पार्ट है ये है टू एक्स वाई और लेफ्ट साइड में जो इमेजनरी पार्ट है ये है माइनस फोर तो इसे हम समीकरण दो और इसे समीकरण तीन का नाम देते हैं और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ये सर्वसमी का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें याद करना है ये मान हमें पता है जो कि तीन है तो यहाँ से हो जाएगा तीन का वर्ग और ये ये टू एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस फोर का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए ये मिल जाएगा नाइन प्लस सिक्सटीन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव ये समीकरण चार अंततः हमें x और y दो चार राशियों का मान ज्ञात करना है तो दो और चार को जोड़ देते हैं तो दो धन चार से ये देखिए दो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर ये थ्री है और यहाँ पर ये फाइव है तो इक्वल टू थ्री प्लस फाइव माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मिलेगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर या फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू ये हमें एक्स का मान मिल गया अब इस मान को हम समीकरण तीन में रखेंगे तो समीकरण तीन से एक्स इक्वल टू प्लस टू लेने पर इंटू टू वाई इक्वल टू माइनस फोर तो y इक्वल टू देखिए टू इंटू टू फोर हो जाएगा फोर और इधर भी फोर है तो यहां से मिल रहा है माइनस वन जब x इक्वल टू प्लस टू है तो y इक्वल टू हमें मिल रहा है माइनस वन इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस टू लेने पर x इक्वल टू माइनस टू हम समीकरण तीन में रख रहे हैं तो हमें मिलेगा टू इंटू माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू माइनस फोर टू इंटू टू माइनस फोर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर भी माइनस फोर है तो इस तरीके से आपको मिलेगा वाई इक्वल टू वन तो जब एक्स इक्वल टू माइनस टू है तो वाई इक्वल टू वन मिल रहा है और जब एक्स इक्वल टू प्लस टू है तो वाई इक्वल टू माइनस वन मिल रहा है तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ओवर एक में हम मान रख देते हैं थ्री माइनस फोर आयोटा इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है और एक्स का मान क्या है टू जब एक्स का मान प्लस टू है तो वाई का मान एक है या वन है और जब एक्स का मान ऋण आएगा तो यहाँ पे दूसरी संख्या मिलेगी आपको धन तो इस तरीके से स्क्वायर उडोर थ्री माइनस फोर आयोटा इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस माइनस टू माइनस आयोटा और यही हमें ज्ञात करना था फिर अगला प्रश्न है वर्गमूल ज्ञात कीजिए यदि z इक्वल टू माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा हो तो पूर्व की भांति इसे भी हल करते हैं माना स्क्वायर रूट ओवर माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये समीकरण एक है एक्स और वाई का मान याद करने के लिए हम आगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा इक्वल टू थोड़ी देर पहले हमने इसे हल किया था तो हमें मिला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई तुलना करने पर इस तरफ का वास्तविक भाग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ का वास्तविक भाग है माइनस सेवन इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं यहाँ पर अधिकाल्पित भाग या काल्पनिक भाग है टू एक्स वाई और यहाँ पर है ट्वेंटी फोर इसे हम समीकरण तीन नाम दे देते हैं और हम जानते हैं कि सर्व समीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये सर्वसमिका है ये मान हमें पता है यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई का होल स्क्वायर अब करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इस तरीके से आप लिखेंगे ट्वेंटी फोर का स्क्वायर ये मिल जाएगा आपको फोर्टी नाइन प्लस फाइव सेवेंटी सिक्स इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू थी तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये वर्ग जो है वो हट जाएगा तो इस तरीके से ये जो मान हमें प्राप्त हुआ इसे हम समीकरण चार नाम देते हैं X का मान हमें ज्ञात करना है समीकरण दो और चार को जोड़ दीजिए तो दो में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पर समीकरण चार के लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस सेवन है और ये दूसरी वैल्यू जो है ये प्लस ट्वेंटी फाइव है माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपको मिलेगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एटीन यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन या फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ये एक्स का मान हमें मिल गया अब समीकरण तीन में देखिए समीकरण तीन से तीन में हम मान रख देंगे x इक्वल टू थ्री लेने पर टू इंटू थ्री इंटू वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो y इक्वल टू मिल जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स दो और तीन का गुणा करके मिलेगा छः और ये आपको मिल जाएगा चार तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे y इक्वल टू फोर जब एक्स का मान तीन है तो वाई का मान हमें चार प्राप्त हुआ इसी तरीके से एक्स इक्वल टू माइनस थ्री लेने पर यहाँ पर माइनस थ्री रख दीजिए एक्स के स्थान पर तो टू इंटू माइनस थ्री इंटू वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर या फिर माइनस सिक्स वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो वाई इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स वाई इक्वल टू माइनस फोर तो देखिए जब एक्स का मान प्लस थ्री था तो वाई का मान प्लस फोर मिला जब x का मान माइनस थ्री था तो y का मान हमें माइनस फोर मिला तो इस तरीके से समीकरण एक से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा इक्वल टू तो प्लस माइनस एक्स का मान है तीन और वाई का मान है चार आयोटा और यही हमें ज्ञात करना था अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू आयोटा इनटू स्क्वायर रूट ओवर टू अगेन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और फिर यहां से ये ब्रैकेट ये हमें सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल के अंदर एक समय संख्या है और वर्गमूल के अंदर एक दूसरी समय संख्या और फिर दोनों का अंतर है तो यदि हम पहले ये ज्ञात कर लें और फिर ये ज्ञात कर लें और दोनों का अंतर निकाल लें तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो चलिए हल करते हैं माना वर्गमूल ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं इसे हम हल कर चुके हैं इसी तरीके से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई तुलना करने पर तुलना करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं और टू एक्स वाई इक्वल टू आपको मिलेगा बी इसे समीकरण तीन नाम दे देते हैं और सर्व समीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें याद कर लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें पता है ये ए है तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू बी है दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर तो यहां पर हम पुट कर देंगे बी स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसे समीकरण चार का नाम दे देते हैं अब समीकरण दो और चार को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से देखिए वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इसको मैंने आगे लिख लिया और इस पद को मैंने पीछे लिख लिया तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा वन बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और जब हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ये पूरी संख्या आ जाएगी वन बाई टू और फिर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ये हमें मिल गया है x का मान अब हम चार में दो को घटा दें चार ऋण दो से देखिए चार में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर दो में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र और यहां पर जो वैल्यू दी गई है ये है माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमें मिलेगा टू वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा वन बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और अल्टीमेटली जब हल करेंगे तो मिलेगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वन बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इसे हम पांच नाम दे देते हैं और इसे छह नाम दे देते हैं समीकरण तो एक्स और वाई का मान हमें मिल चुका है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स का मतलब ये पूरी संख्या वन बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए यहां तक ये यह एक्स की वैल्यू हो गई है प्लस आयोटा ये वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है वन बाई टू स्को रूट ओवर वन बाई टू इसका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए ये हमें मान मिल चुका है तो हमने ये देखा है कि जब यहाँ पर प्लस वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस आयोटा बी तो यहाँ पर ये यह साइन भी चेंज yeah. हो जाता है तो इस तरह से आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए माइनस आयोटा बी का जो मान है ये आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट ओवर वन बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए यहाँ पर मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको माइनस इस प्लस के स्थान पर आपको मिलेगा माइनस आयोटा रूट ओवर वन बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इसे समीकरण सात और इसे समीकरण आठ दे देते हैं तो सात में आठ को घटाएंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मिल जाएगी देखिए ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी बड़ा ही आसान है इसमें हमें इसको घटाना है तो देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो ये संख्या यहाँ पर ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि दोनों वास्तविक संख्याएँ या वास्तविक भाग कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आयोटा के साथ जो पद है ये दोगुना हो जाएगा दिस प्लस दिस ये दोनों पद समान है तो इस वजह से हमें मिलेगा इक्वल टू टू आयोटा रूट ओवर वन बाई टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए अब ये जब टू बाहर है इसे अंदर ले जाएंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर फोर रहा होगा तब ये बाहर निकल कर टू आया है तो इक्वल टू हम लिखेंगे आयोटा रूट ओवर ये अंदर जा करके के मिल जाएगा फोर बाई टू ये फोर और ये टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ओवर टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और यही हमें सिद्ध करना था कि स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट ओवर टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इस तरीके से यह सिद्ध होता है